कोराडी इलाके से सटे बोखारा गांव के ग्राम पंचायत परिसर में रखे करोड़ों रुपए के प्लास्टिक पाइप भीषण आग की चपेट में आ गए। इस आग में करीब 1 करोड़ रुपए के प्लास्टिक पाइप जलकर खाक हो गए। ये घटना मंगलवार की दोपहर करीब 1:45 बजे हुई, जिसके बाद महादुला नगर पंचायत, खापरखेड़ा और कोराडी सहित शहर मनपा के सुगत नगर फायर स्टेशन से दमकल वाहन बुलाए गए। इस तरह करीब 5 दमकल गाड़ियों की मदद से प्लास्टिक पाइप में लगी आग पर काबू किया गया। बोखारा ग्राम पंचायत के सरपंच बीडी गोमासे के अनुसार उनके क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 54 करोड़ रुपए की जलापूर्ति पाइपलाइन का काम शुरू है। इसके लिए एमजीपी कंपान के करोड़ों रुपए के पाइप ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में रखे गए हैं। आशंका है कि सोमवार रात को पटाखों के चलते प्लास्टिक पाइप में आग लग गई थी। पटाखों की चिंगारी से धीरे धीरे परिसर की घास ने आग पकड़ ली। इसके बाद घास की आग ने प्लास्टिक पाइप को चपेट में लिया। अचानक मंगलवार की दोपहर 1:45 बजे आग बढ़ने से पाइप धू धू कर जलने लगे। इसके चलते उन्होंने तत्काल कोराडी, महादुला, खापरखेड़ा पावर प्लांट सहित मनपा दमकल विभाग से भी मदद की मांग की। दमकल विभाग के अनुसार करीब 1 करोड़ रुपए के प्लास्टिक पाइप जलने का अनुमान है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।